गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और इससे अच्छी गुड मॉर्निंग हो ही नहीं सकती। दूसरा दिन था, दूसरा व्लॉग था इस फ्लैट का, और दूसरा व्लॉग भी ट्रेंडिंग में है। 28 नंबर ट्रेंडिंग, सुबह सुबह उठते ही ट्रेंडिंग देखा है। थैंक यू सो मच गाइस। मैं बाकी लोगों को जगाता हूँ और उनको बताता हूँ कि सो क्यों रहे हो भाई। बेहतर देखें आज कैसा है, क्योंकि व्यू देखना तो इम्पोर्टेंट है ना। फॉग हो रहा है काफ़ी सारा, कल जितना तो नहीं है, लेकिन चलो इनको जगाते हैं। रे गाइस, यार यू गाइस आर स्टूपिड और व्हाट, सोने का टाइम नहीं है। वी आर ट्रेंडिंग अगेन, ट्रेंडिंग है बाल बाबा से 28 नंबर ट्रेंडिंग वंस मोर। ये अरे क्या कर रही है ये आपको पता है? मैं भी इतनी जोर से उठा था ट्रेंडिंग का वो देख के। हमने रात को मूवी नाइट किया पे एक्चुअल में बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। तो ये क्यों कर रहा था फिर? ये क्यों करेगा? नहीं कर रहा था ये, पता नहीं हम कंफ्यूज हो। ये सो गई और 1:30 बजे में मूवी देख के सो गई। कभी ये बजे, कभी ये वाला गेट बजेगा। मैंने तीनों लॉक कर दिया फिर भी धम धम धम। मुझे लगा हॉरर नाइट होगी। डर लग रहा बहुत, फिर मैं सो गई स्मोक के। दुख रहा ट्रेंडिंग सुन के, सब दुख हो गया। दर्द वापस हो क्यों रिया? उठ जा, आज ही व्लॉग बनाना चाहता था। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। तो क्या हुआ? तो थोड़ी देर तो सुधान दे यार, मुझे याद वैसे का भूतिया भूतिया कटी है। चलो ठीक है, तो फिर मैं ना घर जाके नहा धो के आता हूँ। यहाँ क्यों नहीं नहाता तू? अरे लेके आना भूल जाता हूँ मैं कपड़े और सब कुछ। आज मैं सब कुछ, आज सब कुछ लेके आ जाऊंगा। तो तुम लोग यहाँ नहा दो, मैं ना घर जाता हूँ अपने, नहा धो के आता हूँ। खोल, पहले तो खुलेगी नहीं देख। तो खतरनाक डरावने नजारे देखने को मिल रहे। एक कबूतर ही हो गया, शू मैं सोच गिर गया हूँ। ये भाई डराओ मत यार। अभी घर जाना है, बट घर जाने से पहले मैं एडिटिंग कंप्लीट कर लूँ ताकि वीडियो शेड्यूल कर पाऊँ। उसके बाद मैं देन घर जाऊँगा, नहा धो के आऊँगा। तब तक ये लोग भी यहाँ पर नहा धो लेंगे। और आज हमारे को पूरा का पूरा ड्रॉर, जितनी भी ड्रॉर्स वगैरह है वहाँ साफ करके जितना हो सकेगा उतना सामान सेट करना है। फाइनली वाईफाई लग चुका है और एकदम बढ़िया तरीके से काम भी कर रहा है। मैं यशी को पासवर्ड वगैरह बता देता हूँ एंड देन मैं निकलता हूँ। वाईफाई चालू हो चुका है। पासवर्ड लिमिट डाल दो। तो कार एकदम साफ है, कल तो हर्ष की धुल गई थी मेरी जगह। मम्मी जी कितनी सर्दी करा दी आपने यार। बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत सर्दी हो रही है। तुम्हारा पानी कब से लगा है पता? हाँ हाँ, नहा रहा हूँ, नहाने आया हूँ। बादलों वाला मौसम हो रहा है पूरा, वो बहुत तेज हवा चल रही है। हाँ दो के एकदम रेडी हूँ मैं। अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सी ए सर के पास, उनसे एक छोटी सी मीटिंग है। मुझे जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तुझे घूमने चले? हाँ, अब क्यों देखा ऊपर? पहली वाली बात क्यों इग्नोर कर दी तूने मेरी? चल बिस्किट खाएंगे, चल बिस्किट दूँ। आजा आजा, देखना भी आएगा रूम के पास जाऊँगा, बिस्किट दूँ। अरे तो मेरे पास क्यों आ गया? चल 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 बिस्किट खिला दे। देखो मेरा रास्ता रोक के खड़ा है कोई, पता नहीं इसके ड्राइवर कहाँ पर है। आई हैव टू वेट। और अभी मीकू से बात हुई, वो लोग यहीं पर हैं घर पर खुद के। तो हर्षी ले जाएगा शायद आंटी को, क्योंकि अंकल तो बिजी हैं आज, अंकल तो अब नहीं आएंगे। आंटी अभी जाएंगी या नहीं जाएंगी पता नहीं। अभी वो लोग खाना वगैरह लेने आए हैं घर पे, तो फिर मैं भी सीधा फ्लैट ही जा रहा हूँ। पता है क्या हुआ, मुझे गाड़ी घुमा कर वापस से उल्टे रास्ते जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसके जो ड्राइवर हैं वो साहब जी पता नहीं कहाँ चले गए उसको बीच रास्ते पर छोड़ कर। पहुँच गया मैं फ्लैट। मैं हूँ मैं कौन? सूरजपाल सिंह। प्लीज प्लीज, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज। कमान कमान, एक तो है ना, एक बार में गेट खोल जाकर जल्दी से। ओ भाई ये टॉवल का सुखा रखा है तूने यार। मैंने नहीं सुखाया, हर्ष ने सुखाया। ये देखो जल्दी सुखा देता हूँ, मैं निकल ले। मैं देर से वेट कर रहा हूँ वीडियो अपलोड होने का। यहाँ का वाईफाई जो हमने लगवाया है वो सलो अच्छे, मज़ा नहीं आया। इतनी देर में तो दो बार अपलोड हो जाता है वीडियो, जितनी देर में इसमें एक बार भी नहीं हो पाया। क्या कर सकते हैं, जो इस बिल्डिंग में केबल डला हुआ है वही यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो कोई नहीं। क्या क्या लाए? अरे मेरे मुंह पे बाल आ रहे। वेरी गुड, रुक जा रुक जा। बेटा मैं
तैयार थे, ये लोग सामान ले रहे हैं। भैया पकड़ना, झूठ मत बोलो मम्मी, झाड़ू पोछा कर रहे थे ना। वीडियो वगैरह बन रहे हैं इसके, और मेरे को सब उधर कमरे में बंद कर दिया था, गेट बंद कर दिया, बोले बाहर मत आ जाइए, आवाज आएगी तेरी। वहाँ बैठा था सोफे पे अकेला ऐसे, कबूतरों से बातें कर रहा था भाई, दो तीन दोस्त भी बन गए। ये क्या है, ये तो चावल हो गए, पुलाव। ये क्या है, ये आलू मटर की छाल देके सब्जी नहीं है। okay. सूरज के वीडियो की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारी जो ये लाइट है अभी क्या है, पूरा सामान जमा नहीं है पहली बात। हाँ। तो दूसरी बात, कौन सी चीज कहाँ है वो मिल नहीं रही है, और इसका पूरा का पूरा सेटअप बिखरा हुआ पड़ा है, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, और थोड़ा अच्छे सेट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो अभी हम ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, मिशन यशी का रूम सजाना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। This is the difficult thing we can do today. हमने उस घर में 10 डब्बे पैक करे थे, जिसमें से 8 एसी दीदी के थे। चलो चलो काम पे लगे। मेरे को हीटर इधर लिया यार, इसमें भूसा लगी। अभी हमें आज का और कल का दिन भी लगेगा इसको पूरा करने में। लो चलो, वो लोग उधर जमा रहे हैं, तब तक हम अपना रूम जमा सकते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, गेस्ट वाले रूम मेरे पास सिर्फ यही अलमीरा है। इसमें तो मेरे कमरे से अलमारी जाता है। नहीं यार, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो, मेरा तो सामान है। मैं अपने कपड़े उस अलमीरा में जमा देता हूँ। क्यों जमा देता हूँ, परमिशन ले। इसमें तो मैं घर के कपड़े रख लूंगा जो डेली वेयर के होंगे। ले भाई ये बॉक्स उधर लेके आ जा। ये बॉक्स ला, ये कैमरा दियो। अरे भाई तो मैं तो जमा नहीं रहा था मेरा कमरा, तूने बोला कि जमा दे, अब तू जमा। ये मेरा कमरा है, गेस्ट रूम में जा। अलमारी दी है ना तेरे को, मैं पूरा कमरा दिया था। जा 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 भाई, हट। अरे ये मेरा तौलिया किस, ये किसका टॉवल है, ये महंगे कर भाई है? एक तो ना पहले कपड़े सुखाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी यहां पर। वो बांध दे एक रस्सी, मैं लाया था वो एक्स वाला, वो खरीद रहा था मैं, मेरे को मना कर दिया। क्यों, मुझे सब पूछे उसी का टॉवल सूख रहा है। ओए गाइस, ओए एक तो नहीं, गेट पर टॉवल सुखाना बंद करो। और अपने गेट पे सुखाओ अगर तुम्हें सुखाना है तो। गाना बता मुझे, आंटी आते मेरे गेट पे टंग जाते हैं टॉवल। गाड़ी का मेरे का लुक खराब हो जाता है ना। गाना बता इस सिचुएशन के लिए। गाना बतानी हूं इस सिचुएशन के लिए। हम कहां कपड़े जमीन पे। इसमें इस वाली जगह सामान मत रखियो। क्यों, मेरा याद नहीं आ रहा तेरा कहां से आएगा। पता नहीं को क्या बोलती। अरे यार घर में यार सब कुछ ऊंचा ऊंचा, यार कुंडियों के हाथ नहीं आता, गीजर के बटन के हाथ नहीं आता, कहीं पर भी हाथ नहीं आता। 15 मिनट दोस्त खड़े कुंडी खोलने लग जाते हैं। गेट के पास खड़ी हो गई, बंद करी बंद करी। हर्ष भैया मैं आ गया, मैं क्या हो गया, ये कुंडी लगा दो। मैं चेक कर लूं मेरा सब जगह आ रहा है ना, पीछे मत रखना। हाँ। पीछे नहीं आ रहा है ना, वो काम के नहीं, वो खिड़की खोलना। ठीक है, वो डब्बा पूरा का पूरा दे दे। मेरे कपड़े इतने कम है और मेरे मैक्सिमम भाई घर पे हैं। अभी लेके आते हैं थोड़ी देर में। काफी ज्यादा भर गया सूरज, इसमें सामान हटाता हूँ। मैं ना घर जाता हूँ, घर जाके और सामान लेके आता हूँ, और तू भी चल चुपचाप साथ में। मैं जा रहा हूँ घर पे कपड़े लेने के लिए। आंटी बता क्या हो रही, पतंग मत उड़ा लग जाना। हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। सब तेरे कर्म जानते हैं, सब लोग देखते हैं। कौन आया है? अरे मैं तो वेट कर रहा हूँ तेरा, इसमें बात करेगी तू मुझसे थोड़ी देर। क्यों करूँ, कर ली ना सुबह। अच्छा ठीक है, एक ही बार करती हूँ। ये सारा घर उठा ले आएंगे तू? दीदी को ये फ्लैट भी खाली करना है तो हम सामान ले जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। मेरे कपड़े ले आया मैं। हे भगवान, पूजा कर रही है, पूजा कर रही है। ये जैकेट वाली साइड रख, ये टी शर्ट वाली साइड रख, ये वाली टी शर्ट हटा दे, ये मैं पहनूंगा नहीं। ये मैंने कुछ कपड़े जो मुझे नहीं लेकर आ गया हूँ, जो मेरे किसी काम की नहीं, जैसे शॉर्ट्स हैं ये, ये गर्मी में मैं पहनूंगा तब वापस ले आऊंगा। अभी तो सीधा सब कुछ उठा के ले आया था, तो ये वापस जाएंगे घर पे। बहुत कम कपड़े यार, आज बैठ के ना शॉपिंग करूंगा भाई मैं। बहुत दिन हो गए भाई, 4 महीने हो गए भाई शॉपिंग नहीं करी, बस ये मंगाऊंगा पजामा वगैरह टी शर्ट वगैरह, बस सिंपल। खाली खाली लग रहा है मुझे ना, इसमें पैसे खर्च करने की जरूरत लग रही है ना। इसमें शॉपिंग करने की जरूरत लग रही है। चुप हो जा, इधर आ। क्या हुआ? इधर इधर एक चीज दिखाओ। ये सिर्फ मेरे पास इतने से वुलन्स है, पूरी अलमारी खाली है। और दिखाती हूँ, चल चल और दिखो। ये देख, ये मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, सिर्फ इतने से पूरी अलमारी खाली है। और रुक रुक, इसमें सूट, ये पूरा खाली है, पूरा एक सूट है सिर्फ। अब बोल, अब बोल, सब जम गया। हाँ, सिर्फ बेल्ट बाकी, जूते बाकी। अब बोल, मैंने बोला मेरे पास कपड़े नहीं है। कमरे में रहो।
तो फिर एक सेकंड तो फिर उधर इतना जो फैला रहता था वो था क्या? फैला हुआ कपड़ा ऐसे फैला के रखोगे तो बिखरा हुआ दिखेगा समय भाई। वहाँ पर एक ही अलमीरा थी ना, इसलिए बहुत ज्यादा लगता था वो। मेन बात समझ आई इधर तुझे? मेन बात समझ आई। मैं हर्ष को भी बता रहा था कि भाई मेरी अलमीरा भी खाली लग रही है। ठीक है, लेकिन तेरे दो में कपड़े हैं, मेरे तो एक में भी भूल ही आ रहे। झूठ मत बोल, मेरे पास कपड़े नहीं है। इसको शॉपिंग करनी है। ये तो काफी सारा है। मैं इसके सामने शॉपिंग करने अभी पर्स जमा रहे हो क्या? अच्छा चलो तुम लोग करते रहो, मैं और हर्ष जा रहे हैं जिम। है नीचे जिम है जो अपने देख कर आ रहे हैं कैसी मशीन है, कैसे क्या देख के आना। हाँ दीदी देख अभी देखो, दो घंटे में फटाफट देखे आते क्या है क्या नहीं है। गाइस मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं नीचे ही जिम जाऊं, इसलिए मैं अभी तक नहीं जा रहा था। अरे हर से एक काम कर, नहीं मम्मी जिम जा रहा हूँ। कान्हा जी के लिए ड्रेसेस आई है तो ओपन करते हैं। किसने बताया, किसने भेजी है? वो जिनसे तूने लास्ट टाइम कान्हा जी की ड्रेस खरीदी थी। ये तो बंदर वाला है कान्हा जी की। अरे भाई बहुत सुंदर यार, प्यारी बहुत सुंदर। जिसने भी भेजी उसको ढेरों आशीर्वाद, उसका खूब काम चले। दिस इज स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अस फॉर योर न्यू हाउस। मे लड्डू गोपाल जी फुलफिल ऑल योर विशेस। हेलो, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस फॉर योर न्यू हाउस। कीप ग्रोइंग फ्रॉम कृष्ण राधे। ये शॉप का नाम है कृष्ण, मतलब क्र कृष्ण का क्र राधे। एंड ये है शॉप नंबर 39 नियर गुप्ता स्टोर वैशाली नगर जयपुर। वाला भी क्या क्या भेजा है ये बाबा के लिए? रसगुल्ला ये है, कम्बल आए हैं बाबा के। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये भी कम्बल आया बाबा का, ये बाबा की पोशाक, ये बाबा की, बाबा की जो खिलौने, गाय सबसे प्यारी होती है, बाबा को गाय भी आई है साथ में। यो वो कितनी सुंदर, बाबा का बाबा के मुकुट, मुकुट पगड़ी, बाबा के अंडर गारमेंट भी आए हैं। इनके नंबर हमारे पास है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो जिसको भी परचेज करना है परचेज कर सकते हैं। बाबा की ज्वेलरी है, बहुत सारे कपड़े हैं बाबा की। नाइट ड्रेस है, एक उन्नी है, एक कॉटन की है, एक और कॉटन की, और एक ये कुछ और ये भी है, ये शायद वो है, इत्र होगा बाबा का। प्यारी लग रही है पिंक कलर की, और इसके साथ ज्वेलरी भी है, सुंदर है। ये वाली पोशाक है, इसके साथ भी ज्वेलरी है, पोशाक है, इसके साथ भी ज्वेलरी है। ये वाली पोशाक, इतना सारा पोशाक, इसके साथ भी ज्वेलरी है। एक अलमारी अलग से निकालो, पोशाक भी है। एक कान्हा जी के लिए अलमारी बनानी पड़ेगी यहाँ पे फ्लैट पे। और बेटा आपने जिसने भी भेजा है मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधे वालों ने भेजा है, और इनका नाम है, जिनको अपन कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम है मंजू सोनी। सो थैंक यू सो मच। और अब मंजू मैं आपसे ही, मेरे कान्हा के आपके यहाँ से ही पोशाक आया करेंगे। अरे वाह, मैं बहुत ज्यादा थक गई आज, काफी काम किया मम्मी ने, तो मम्मी रेस्ट कर रही है। कैसा मुंह बना रहा है भाई? क्या पेट खोल, ठंड लग रही है? अच्छी बात है, तो बाहर खड़ा ने मेरे बिना जिम क्यों किया? जिम नहीं, नीचे देख के तो आया हूं बस। झूठ मत बोल, मैंने तेरी स्टोरी देख ली। अरे खोल दे, गेट खोल दे। सॉरी बोल, सॉरी सॉरी। नाच के दिखा, सॉरी। नाच के, नाच के। इतने दिन बाद जिम किया ना, तीन तीन एक्सरसाइज में से बैंड बच गया ना, जिनकी कोई हद नहीं। तू सोच अपन जाएंगे और सर अपन को एक्सरसाइज कराएंगे अगले दिन ना। अरे मैं तो 8-10 दिन ये नीचे एक्सरसाइज करूंगा ताकि थोड़ा प्रिपेयर हूं वहां जाने के लिए। मैं भी चलूंगी। मैं और यशी जा रहे हैं मेरी मम्मी को लेने और यशी के पापा को लेने, ताकि हम सब साथ में डिनर कर सकें। मेरे पापा तो आएंगे नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा लेट आएंगे वर्क से भी, और वो आते ही उनको रेस्ट करना होता है, वो कहीं जाते नहीं इधर उधर। मेरा भाई देख लूंगा अगर मजनू बैठ गया होगा शांति से, नहीं तो पापा को परेशान करेगा, तो देखते हैं। बाकी अंकल को लेके आना है और कान्हा जी को भी लेके आना है। ओहो माता जी, इतना कितना बना रही हो, गाजर का हलवा बनाया जा रही हो? तुमने कही थी गाजर का हलवा चाहिए, मुझे गाजर का हलवा चाहिए। अब तो बनाया जा रही हो, बनाया जा रही हो, बनाया जा रही हो। क्या कर रहे, तो बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। चले फ्लैट चले, आज वहीं डिनर करेंगे बैठ के। फिर आएंगे फिर कितने बजे? अभी आ जाएंगे अपन, डिनर करके आ जाएंगे 1-1.5 घंटे में। आप ही आओगे ना साथ में? हाँ मैं छोड़ने आऊंगा ना। चलते हैं, ये बन गया इसमें बाकी कुछ? मावा बाकी है। पापा हैं? पापा ने तो मना कर दी खाने के लिए। पापा ने पता क्या बोले? पापा बोला पापा फ्लैट चलो। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं, बोले मैं किराए के फ्लैट में नहीं जाता, जब खरीद लेगा तब आ जाऊंगा। अच्छा, बोले मैं नहीं जा रहा। मजनू का ध्यान रखने के लिए उसको यही रुकना पड़ेगा। हाँ, है ना, चलो फिर अपन चलते हैं। पार्ट करके उठे हो? हाँ बस। कान्हा जी रेडी है? कान्हा जी को तैयार कर लिया मैंने, जैकेट पहन ली। वेरी गुड, चलो कान्हा जी आ जाके आगे बैठेंगे मेरे पास। ले ले। ये लो, आज अलग उसके अंदर आए हैं। देख नई टोकरी। हाँ तू मेरे को सिखा दे, इसलिए तेरे को जाना नहीं पड़ेगा। मम्मी को दिया थे आपको और क्या। चलो खाना खा ले अब। हाँ आज तो मैं भी सोया।
आज तो हम बिल भी घर पे सोई रहे थे। आज डिनर में है मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, शाही पनीर और ये यशी और मिकुड़ी की छाछ। ये जो अंकल जी है ना, कैसे आंटी जी के बगल में आगे बैठ गए। वो एक मूवी का वो याद है कि तेरे को डायलॉग, द फैमिली हु व्हिच ईट्स टुगेदर स्टेस टुगेदर, और फिर और कुछ सके नहीं, फैमिली हु लव्स टुगेदर ईट्स टुगेदर स्टेस टुगेदर, और हम साथ आते हैं। हां, उस डायलॉग मम्मी की फेवरेट पिक्चर है। और उसी उसी पिक्चर के गाने चलते थे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इनकी शादी में कौन, इनकी शादी में था हम आपके हैं कौन। अच्छा, हम आपके हैं कौन, और वो गाने चलते रहे, बोला इसको बंद कर दे। और डैड को हम आपके हैं कौन, बहुत हेडेक हो गई उस गाने से। अब काफी दिनों बाद मैं और मम्मी साथ में खाना खा रहे हैं। डिनर डन, आज दो रोटी एक्स्ट्रा खाई हमें यार। चले अंकल घर, बिल्कुल घर चलेंगे। सब लोगों को घर पर छोड़ दिया और मैं भी फ्लैट आ चुका हूँ, और अभी टाइम हो गया 10:48। कल मैं 11 बजे ही सो गया था, इसीलिए आज भी अभी जस्ट 11 बजने वाले हैं और मुझे आज नींद आने लग गई इसी टाइम पर। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय बाय।